दोस्तों हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए भाई। तो मैं नहा लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ जाने के लिए बाहर। नहाने के बाद आपको पता है मैं क्या करता हूँ? सबसे पहला काम मेरा होता है, मैं करता हूँ भगवद गीता रीड। आज मैं भगवद गीता पढ़ रहा था तो बहुत ही अच्छा श्लोक सामने आया। अर्जुन जी ऐसे लड़ना नहीं चाहते थे, वो लड़े हैं दुर्योधन की वजह से। दुर्योधन ने उनका शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो युद्ध के समय अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप ना हमारा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि लड़ने कौन कौन आए। उस टाइम अर्जुन जी ने क्या बोला, कह रहे मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं, मतलब उसको खुश करने के लिए कौन कौन आ रखे। तो भाई ये बोला था, हम विश्राम देते हैं भगवद गीता को अभी। तो भाई हम भी अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि इसको खुश कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको खुश कर देते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हम किसी को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, वो अपना काम निकाल के चल जाता है। इवन सारी की सारी दुनिया ही ऐसे लगी हुई है ना। सच में ये भगवद गीता एक किताब नहीं है, ग्रंथ है। अगर दिल से पढ़ोगे ना आपको आपकी लाइफ के 100% आंसर मिल जाएंगे। मैं भी 4th-5th टाइम पढ़ ही रहा हूँ अभी, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जिस दिन दिल से पढ़ोगे ना आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब मैं रेकमेंड करता हूँ आपको कि जरूर पढ़ो भगवद गीता। आप भाई दुनिया में आप 4 दिन गायब होकर देख लेना, अगर कोई आपके बारे में पूछने भी आएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो करना है वो खुद करो। चलो आज देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है, वो भी करनी है तो बने रहना वीडियो में। भाई मैं माइक लगा रहा हूँ और माइक से शूट करेंगे, ठीक है? क्योंकि बिना माइक के ना बहुत आवाज़ थोड़ी सी वो हो जाती है। अगर हम भाई चांस शोर की जगह में जाने लग गए तो अपना हथियार अपने हाथ में चाहिए। तो भाई अब बताओ आवाज़ कैसी आ रही है आपको? ऐसे भी करके अच्छी आ रही है ना आवाज़? यहाँ पे देखो फुल है ना, हाँ आवाज़ अच्छी आ रही है। क्योंकि कई बार ना यार आवाज़, मैं क्या करता हूँ कई बार ना आवाज़ बहुत फट जाती है। तो अभी मैंने पूरा डेसिबल डुसिबल इसका सेट किया है, तो मैंने लगाया माइक, यहाँ तो आवाज़ अच्छी आएगी, शोर में देखना कैसी आएगी आवाज़। तो चलो अब निकलते हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 5 बज गए हैं। दुबई में शाम को निकलने का फायदा है और रात को ही दुबई दिखता है अच्छे से, दिन में कोई फायदा नहीं है। चलो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ना काउंटर पता नहीं कहीं गुम हो गया, कल से नहीं मिल रहा है मुझे। पता नहीं किसी पेंट की जेब में रह गया, गाड़ी में भी नहीं है, सारी पेंटें भी चेक कर ली, कहीं नहीं मिल रहा। तो देखो अब कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना, मैंने देखा था, अभी बात की थी इससे, जहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने आते हैं ना, उसके पास काउंटर रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो होगी होगी, ग्रीन है अपनी, दौड़ ले। तो यहाँ पे है, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से लेके आता हूँ फटाफट काउंटर। और यहाँ पे वो बता रहे थे पता नहीं 3 दिरहम का, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि 3 दिरहम का। भैया आ गया, मैंने तो ना अपना कलर ले लिया, ये ब्लैक कलर का था, मैंने कहा गंदा गुंदा दिखता नहीं है तो ये वाला कलर ले लिया ब्लैक, और साथ में मरिंडा भी एक ले लिया, गाड़ी में रख लेते हैं, जब दिल करेगा पी लेंगे। यहाँ पे आता हूँ हमेशा मरिंडा लेके जाते हैं, ये बहुत सही चीज़ है और आराम से खुल जाती है यार, कोई दिक्कत भी नहीं है। गाड़ी में इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा मतलब निकलती, इतनी ज़्यादा हीट है ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि किसी हलवाई के पास खड़े हो गए, वो जो समोसे तल रहे हैं ना उसकी कढ़ाई के सामने आ गए हैं, आँखों में हाथ में, यार इतनी गर्मी यार यहाँ पे इसमें है। एक्चुअली अभी हम आए हैं दुबई मॉल के पार्किंग, दुबई मॉल की पार्किंग में विंग्स वाली साइड। भाई दुबई मॉल इतना बड़ा है ना, दुबई मॉल क्या बताऊँ मैं, रोड के उस साइड भी है, इस साइड भी है, अभी चाइना टाउन वाली साइड आ रखे हैं हम। अभी देखो चलते हैं, बताते हैं यार, बहुत ही गर्मी है यार। अभी हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया ऊपर जाने के लिए, हमने यार लिफ्ट कौन जाए इतनी दूर, सीढ़ियों से फटाफट हम बाहर हो जाएंगे, बस इस भट्ठे से बाहर निकलो। भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, शुक्र है बाहर दिखा थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, अभी हमने उस साइड जाना है यार। अभी हमने देखा एक शेख जा रहा था, उसकी कितनी वाइफ थी, 4 वाइफ। भाई ऐसे चल रही है, हमें लगा कि चलो कोई जा रहा होगा, वो तो देखो एक एक 4 वाइफ रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, अगर किसी ने बुरखा पहना हो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कैमरा, मैं तो वैसे भी नहीं रिकॉर्ड करता,
लेकिन यार चार चार भाई, अभी हम विंग्स वाली साइड जा रहे हैं, विंग्स यही है सामने। लास्ट टाइम तो भाई क्या हुआ था, यहाँ पे ना काफ़ी सारी लाइन लगी हुई थी, यहाँ तक लाइन लगी हुई थी यहाँ तक, और वो रहे विंग्स भाई। अब विंग्स पे जा रहे हैं, अब सिर्फ इक्का दुक्का बंदे रह गए हैं, हम जाके खड़े हो जाते हैं। आप gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. Last year stressing, got no sleep. Now I'm right between the courts, out of nosebleeds. Yeah, I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money. Oh, bhai, यार हमने अपनी वीडियो बनाई, अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे थे। वो एक यार उसको पसंद आ गई नाइजीरियन को, प्लीज सेम वीडियो फॉर मी, सेम फोटो फॉर मी। आ भाई आधा घंटा वो खा गई। देखो यार ऐसा है, यहाँ पे आओ तो प्रॉपर घूमो, ठीक है। थोड़ी गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप ये देखो अच्छा भी कितना है। पीछे म्यूजिक चल रहा है उस रेस्टोरेंट में, घर अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ पे जो घर है ना, वो कुछ अपार्टमेंट्स हैं, कुछ कईयों के अपने हैं, कोई जो जैसे होटल्स के मिल जाते हैं वो हैं। यहाँ पे सारे ये होटल्स हैं, ये सारा ये वाला होटल एरिया है, और उस साइड नीचे रेस्टोरेंट्स हैं। अब देख रहे होगे मेरे पीछे, ये वाला उस साइड रेस्टोरेंट्स हैं। अभी यहाँ पे ये फाउंटेन शो चलता है, यहाँ पे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे चलता है फाउंटेन शो। और जो मैंने आपको बताया था ना, एक सीक्रेट दुबई मॉल के अंदर से देखने वाला फाउंटेन शो का देखने वाला, वो पता है कहाँ से? मैं कहाँ खड़ा था अगर आपको दिख रहा होगा, वो नाइकी, मैं उस नाइकी पे था। उस नाइकी से पूरा का पूरा व्यू आता है, फुल व्यू आता है फाउंटेन शो का। तो जो भी कोई आए यहाँ पे तो नाइकी के शोरूम में चला जाए आराम से, वहाँ पे बैठ के एसी में फाउंटेन शो देखे। और वैसे भी जब फाउंटेन शो चलता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती क्योंकि बहुत हाइट तक जाता है पानी। देखता हूँ अगर मैं बहुत पास आ गया हूँ, अगर पास में आगे अभी चलेगा, 8 बजे का टाइम है चलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यार यहाँ तो एक मच्छर मक्खी तक नहीं है यहाँ पे, बताओ। नहीं तो देख, लाइट देख रहे हो आप, लाइट एक भी सिंगल मच्छर मक्खी नहीं देगा आपको। पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से कर रखा है, अलग ही है। और पानी कितना ज़्यादा साफ है। तो चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया है बिल्कुल टाइम पे, 8 बजे का टाइम था और 8 बजे स्टार्ट हो गया है। ये देखो कितनी हाइट पे जाते हैं। और same circle, still the same gang. Same gang. We just get to it, we don't gang bang. Gang bang. Lost some friends, said the same thing. Go. Keep a low pro when we maintain. तो भाई यहाँ पे ये नजारा है, ये देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। फाउंटेन शो हर आधे घंटे में चलता है। Ain't find us in a lost somewhere, kicking back. Find you on computers, type in Twitter facts. You lose a follow, throw a Twitter at. I lose a dollar, bet I get it back. Like a boomerang. My girl likes diamonds, big one shining on a ring. I got 3 daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power, I could get anything. वो अभी मॉल का ही पार्ट है। अभी मैं एक जगह पे आ रहा हूँ यार, यहाँ से दिख रहा है बुर्ज खलीफा, दिखाऊँ आपको शॉट। ओ है नहीं गल बात। आज हम स्पेशली टाइम निकाल के इसी के लिए आए थे कि फाउंटेन शो भी देखेंगे और आज सारा एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम नहीं किया था यार कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लोर, बस वहीं से चले गए थे यार, क्योंकि टांगे इतनी टूटी हुई थी, हिम्मत ही नहीं थी। एक तो दुबई मॉल खुद में ही इतना बड़ा है, जितना मर्जी घूमो एक हफ्ता घूम लो तब भी नई से नई चीज़ें दिखती रहती हैं, तो इसलिए हम नहीं घूमे थे, इतना घूम ही नहीं पाए थे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लास्ट ये था जो फाउंटेन शो, ये हमने देख लिया, इसके बाद भी होते रहेंगे, हमारे लिए लास्ट था। व्यूज़ मेरी वीडियो पे अभी इतने नहीं आते हैं, ना ही कोई अभी सब्सक्राइब कर रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन होगा ज़रूर। मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ, ना कोई बात नहीं होगा। तो यार जितना हो सकता है ना दे दिया करो यार प्यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, थोड़ा इससे इंसान मोटिवेट होकर ना और ज़्यादा वीडियो अच्छी अच्छी बनाता है फिर और करता है। बट मैं करता हूँ जितना हो सकता है, मुझसे मैं बनाता ही हूँ। तो यार थक गए थे, यहाँ पे आके बैठ गया मैं। अभी लाइन देख रहे हो आप, वो कहाँ तक लग गई है।
ये देखो रिंग्स के लिए लाइन, यहाँ पे लाइन लगती है। तो चलो अभी कुछ पीते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। वापस आ चुके हैं हम भट्टी में। ओ अंदर आते हैं ना एक अलग ही सेक सा आता है, तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा बालों का भी ना। मैं सच में ऐसा ही लगता है कि किसी ना स्टीम रूम में आ गया हम, इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है। चलो अब चलते हैं गाड़ी में, उसके बाद का प्लान क्या है हमें भी नहीं पता अभी क्या प्लान है। जहाँ पे मिलेगा कुछ खाने पीने का वहाँ पे रुकते हैं। ये सारे के सारे रेस्टोरेंट की लाइन है, यहीं पे रसोई घर है आगे। तो मैंने एक जगह खाना पूछा, सारी जगह ही मिल जाता है विदाउट अनियन गार्लिक कुछ ना कुछ। तो भाई मैंने छप्पन भोग आज सेलेक्ट किया, ये रहा छप्पन भोग सेलेक्ट ये किया है। इधर कह रहे काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको विदाउट अनियन गार्लिक, तो हमने कहा चलो थोड़ा खाते हैं टेस्ट लेते हैं इसका भी। रसोई घर में तो खाया ही हुआ है, आज यहाँ खाते हैं। पहले भाई मैंने छाछ ही मंगवा ली, छाछ के साथ साथ पियेंगे सारा कुछ खाएंगे। बहुत टेस्टी खाना था विदाउट अनियन गार्लिक आपका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। थैंक यू। छप्पन भोग था, मतलब काफ़ी प्लेट्स में काफ़ी कुछ आया था। आखिरी मैंने स्पंजी रसगुल्ले और रसमलाई भी मंगाई थी, वो भी बहुत टेस्टी। तो भाई चलो अब यहाँ से निकलते हैं। देखो हम दिन का खाना तो हम घर पे खा लेते हैं, रात का होता है थोड़ा सा यार जाके क्या खाना होता है, तो फिर रात को थोड़ा के अकॉर्डिंग खाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं अभी वही दुबई AIN। बस अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर अपनी आइसक्रीम खाने फेवरेट वाली, उसके बाद जाएंगे आगे। बस जल्दी जल्दी लेके निकलते हैं अभी यार, नीचे पार्क कर दिया गाड़ी क्योंकि उधर से लेके आने में ना आइसक्रीम पिघल जाती है, तो इसलिए नीचे पार्क कर दिया गाड़ी। ऊपर पार्क करने की जगह भी नहीं थी भाई। गाड़ी यार यहाँ पे फरारी की पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी खड़ी है यार। अगर नीचे आएंगे ना दोबारा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक चलो अभी चलते हैं ऊपर। ओए होए होए ये तगड़ी बन गई है, ज़्यादा टेढ़ी होगी लेकिन चलो कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। ओके थैंक यू हाय। ये ज़्यादा टेढ़ी नहीं हो गया इसकी। अब हम आ गए लिफ्ट में, आइसक्रीम देख लो कितने से कितनी कर दी। मैं जिस ब्रिज की बात कर रहा था उस ब्रिज पे मैं पहुंच गया हूं। ये है वॉकिंग वाला ब्रिज, ये इस पे दुबई AIN के पास ही है, सामने ही है। यहाँ पे हम उस दिन आए नहीं थे, आपने देखा था हम उस दिन उस साइड थे, उस वाले ट्रैक पे थे, लेकिन आज इस ब्रिज पे आए हैं। तो यार इस ब्रिज का अलग ही अपना मज़ा है। असली यार दुबई की ब्यूटी तो रात को ही दिखती है, दिन में तो यार गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलने का दिल नहीं करता। ये देखो नीचे सारा पानी है। तो जैसा ये ब्रिज है ना, ये ब्लू लाइट लगी हुई है, ऐसा ही एक और ब्रिज है। ये तो वॉकिंग ब्रिज है, यहाँ पे सिर्फ पैदल चलते हैं या वो जो मोटर सी छोटी साइकिल चलती है वो चलती है। एक और ब्रिज है वहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स महंगी महंगी वो रील्स बनाने के लिए आते हैं, टिकटॉक की वीडियोस बनती हैं वहाँ पे, और शूटिंग्स होती हैं, कुछ गानों की शूटिंग्स भी हुई हैं। तो वहाँ पे भी किस दिन जब टाइम लगा ना तब चलेंगे वहाँ पे। तो चलो थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, शांति को इंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। पीस है यहाँ पे, आज मौका है कि हवा भी आ रही है, गर्मी नहीं लग रही आज यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से घर, टाइम काफ़ी हो गया 12:30, 1:15 तक पहुँच जाएंगे घर। एडिटिंग भी करनी है यार, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूँ, एडिटिंग को भी टाइम चाहिए होता है। और आजकल डेली ब्लॉग बना रहा हूँ तो होता ही है थोड़ा। स्पोर्ट दिखाओ यार प्लीज, स्पोर्ट दिखाओ। पानी लेने आया, पानी की बोतल लेके फिर निकलते हैं होटल की तरफ। तो भाई मैं आ गया था घर पे, बस आपको यही बोलना चाहता था कि बस यार लाइक शेयर सब्सक्राइब से पीछे मत हटो, करते रहो। देखो एडिटिंग कर रहा था और साथ में म्यूजिक सुन रहा था, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स। यार बस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बनाए रखो अपनी, अभी तो इतना नहीं हो रहा है लेकिन करो यार करो, ज़रूरत है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप करोगे, मैं तो खैर बना ही रहा हूँ, डेली का कंटेंट डाल ही रहा हूँ अभी, कोशिश करो आप भी। जो रेड बटन दिखता है ना आपको सब्सक्राइब का, घुस जाओ उसमें, क्लिक करो उसे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। भाई तो हम बोतलें लेके आ गए हैं घर, रूम में ऊपर ही जा रही हैं, बहुत ही भारी है, रोज बोतल लाना पड़ता है, रोज खाली करना पड़ता है, रोज फेंकना पड़ता है और फिर रोज लाना पड़ता है। बहुत मुसीबत रे बाबा, बहुत मुसीबत।